17वें इंटरनेशनल घूमर फेस्टिवल का आयोजन 13 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में विदेश की 3 यूनिवर्सिटियां भाग ले रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी घूमर जोरों शोरों से आयोजित किया जाएगा। अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता में आरयू के सभी जिम्मेदार मौजूद रहे। डीन डॉक्टर करतार सिंह ने बताया, घूमर को लेकर विद्यार्थियों में भारी उत्साह है और तैयारी कर रखी है। इस बार ढाका, भूटान और टोक्यो की यूनिवर्सिटी भी इसमें भाग लेने आ रही हैं। अध्यक्ष पूजा वर्मा ने बताया कि 3 दिनों में 36 कार्यक्रम होंगे और पिछले साल पुलवामा की वजह से कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, मगर इस बार जो घूमर किया जाएगा 5 वर्षों में ऐतिहासिक घूमर होगा। स्टूडेंट्स घूमर को लेकर बड़े उत्साहित है और इसमें बहुत सारी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। महासचिव हमारी महावीर प्रसाद गुजर ने कहा, घूमर कैंपस में आयोजित होगा। छात्रों की मांग को देखते हुए फैसला लिया गया जिससे कि छात्र आसानी से घूमर को अटेंड कर सकें। कितनी टीमें आ रही हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय की टीमें आ रही हैं? 18 राष्ट्रीय दूरिया से हैं, 18 विश्वविद्यालय में संयुक्त मस्जिद की, और 2 टीमें बाहर से हैं, बांग्लादेश, भूटान और एक टोक्यो की संभावना। इस बार कॉन्वोकेशन से हटा के वापस घूमर पंडाल में आयोजित किया जा रहा है। ये हमारे छात्र प्रतिनिधियों की विशेष इच्छा थी, डिमांड थी उनकी, और इनकी बातचीत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारियाँ की थी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस घूमर को लेकर? तैयारी तो सामान्य जो होती है, सब सब तैयारी की है, सारी टीमों को ठहराने की सब व्यवस्था की है। किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या कुछ आपकी ओर से रोल रहा है इसमें? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही जोरों और शोरों से हम स्टूडेंट, छात्र संघ पदाधिकारी, पूरी टीम घूमर की बहुत अच्छे से कार्यक्रम के मैनेज कर रहे हैं। और जो नई हम लोग ने इसमें 13 और 14 तारीख को इवनिंग के प्रोग्राम रखे हैं, तो हमने ये नई शुरुआत करी है इस प्रोग्राम के अंदर। और अपने जो आपने जैसे बताया घूमर पांडाल का, तो घूमर पांड अपने राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, तो अपने जो आन बान शान संस्कृति को दर्शाता है, तो एक कोने के अंदर उसको प्रोग्राम को करते हैं। तो स्टूडेंट आजकल के जो युवा हैं वो दूर होते जा रहे हैं हमारी संस्कृति से, तो इसलिए हम लोगों ने घूमर पांडाल में इसलिए करवाया, ताकि क्योंकि वो हम मेन गेट है यूनिवर्सिटी का, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सब लोग प्लस संस्कृति से जुड़ें। ये है मेन रीजन। खास सर अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी कल तक हमारा शेड्यूल वो होगा कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और किस प्रकार की तैयारियां हैं इस बार छात्र प्रतिनिधियों की ओर से? देखो, इस बार हमने 1-1.5 महीने पहले ही डेट डिसाइड कर ली थी और तब से ही इसमें लगे हुए थे। यूथ फेस्टिवल जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो गया था उसके बाद से लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन, DSW कन्वीनर और DSW जितने भी DSW के पदाधिकारी हैं, हम छात्र संघ पदाधिकारी हैं, सब मिलकर इस प्रोग्राम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए थे। साथ ही हमने जगह जगह बाहर की यूनिवर्सिटियों को भी हमने इनविटेशन भेजा था, जिसमें से 3 यूनिवर्सिटियाँ प्रोग्राम में आने का, मतलब कि 99% चांस है उनका कल कन्फर्मेशन हो जाएगा, बांग्लादेश, भूटान और टोक्यो। साथ ही राजस्थान की यही नहीं, राजस्थान के बाहर की, पूरे भारत देश से अलग अलग राज्यों से भी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, हर राजस्थान से भी कई यूनिवर्सिटियाँ हमारे बीच में इस प्रोग्राम में पधार रही है। और साथ ही हम पूरी उम्मीद है कि जो ये प्रोग्राम होगा, ये एक ऐतिहासिक